Hi guys, so now that you know about IP as an internet protocol and you also know about IP addresses, this is the right time to understand the difference between IPv4 and IPv6. So apparently, दो अलग अलग तरह के IP internet protocol addresses float कर रहे हैं इस time पे internet पे, और थोड़ा सा confusion रहता है students को कि ये दोनों में क्या differences है, और ये एक अच्छा interview question भी रहता है. So a lot of people ask this question कि what is the difference between IPv4 and IPv6? और IPv6 का जरूरत क्या है? Okay? So let me first show you कि ये दोनों कैसे दिखते हैं. So you have already seen IPv4, right? These are four decimal numbers in the range of 0 to 255, right? And this is decimal obviously, and they are separated by three dots. Okay? So this is IPv4, and this is IPv6. So यहाँ पर instead of decimal we are following hexadecimal numbers, and there are 8 different set of hexadecimal numbers. Okay, so IPv6 address आपको ऐसा दिखाई देगा. Okay, so एक काम करते हैं, पहले एक बार देखते हैं IPv4 क्या है और कैसे काम करता है, और फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से IPv6 का जरूरत पड़ा. Okay, so ध्यान से देखना. So apparently this is a decimal value, right? This is in decimal. So the problem is कि ये decimal को आपका computer नहीं समझ सकता, कोई भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डू अ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट? सिंस ये 0 से 255 है, तो ये एक्चुअली हर नंबर को जब आप बाइनरी में ब्रेक डाउन करोगे तो इट विल क्रिएट अ 8 बिट पैटर्न लाइक दिस. सो 8 बिट पैटर्न फॉर द फर्स्ट नंबर, सिमिलरली 1 फॉर द सेकंड, 1 फॉर द थर्ड एंड 1 फॉर द फोर्थ. सो देयर विल बी 8+8+8+8, 32 बिट्स का ये होता है जो आपका IPv4 होता है, उसमें 32 बिट्स होता है. मतलब जब भी आपका IPv4 ब्रेक डाउन होगा इनटू डेसिमल से बाइनरी, तो वो 32 बिट का एक पैटर्न फॉर्म करेगा, राइट? अब थोड़ा सोच के देखो, अगर आप सिंपल परम्यूटेशन अप्लाई करो तो आप कितने, सिंस आप 0 या 1 ही चेंज कर सकते हो उन 32 प्लेसेस में, सो देयर आर इन टोटल 2^32 परम्यूटेशंस, राइट? और ये रफली होता है 4 बिलियन, राइट? सो दिस मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेट पे देयर वुड बी ओनली 4 मिलियन डिवाइसेस जिनका आईपी एड्रेस यूनिक हो. मतलब अगर इससे ज्यादा कुछ भी डिवाइसेस आए तो उनको वेट करना पड़ेगा कि इनमें से कोई डिवाइस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट? द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि अब हम लोग इस ऐसे एज में जी रहे हैं जहां पर ऑल ऑफ द लैपटॉप्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वी ऑल्सो हैव स्मार्टफोन्स, लाइक एक एक आदमी के पास 2-2 स्मार्टफोन्स हैं. और अब तो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, मतलब ट्यूबलाइट्स, फैंस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव एक्सीडेड दिस नंबर, 4 बिलियन से ज्यादा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट IPv4 अब थोड़ा सा हटने लगा है या यूजफुल नहीं है, ठीक है? तो अब यहां से स्विच करके हम कहां पे मूव कर रहे हैं, टू IPv6. ओके, अब एक बार देख लेते हैं IPv6 कैसे काम करता है. So you can see, यहां पर क्या होता है कि every सिंगल hexadecimal नंबर कैन बी कन्वर्टेड, बट यहां पर भी कन्वर्जन करना पड़ेगा बिकॉज ये भी hexadecimal भी नहीं समझेगा आपका मशीन. सो यू हैव टू डू अ hex टू बाइनरी कन्वर्जन, एंड वंस यू डू अ hex टू बाइनरी कन्वर्जन फॉर एवरी सिंगल hexadecimal नंबर यू गेट अ 16-bit नंबर, 16-bit डेसिमल सॉरी बाइनरी पैटर्न, और ऐसे 8 है तो ये टोटल मिला के 128-bit का एक पैटर्न बनता है, ठीक है? और जब आप इसको इसका परम्यूटेशन कैलकुलेट करोगे तो इट्स 2^128, और ये इतना बड़ा नंबर है कि मुझे याद नहीं है और मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता. बस आप ऐसा समझो कि इस नंबर से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और आई गेस फ्यूचर 100-150 सालों तक हम ये नंबर एक्सीड नहीं करने वाले, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये वाला एड्रेसिंग सिस्टम अब यूज हो रहा है ऑन द इंटरनेट. सो इस पॉइंट पे देयर इज अ ग्रेट चांस कि जब आप अपने मशीन पे व्हाट इज माय आईपी टाइप करोगे, गूगल करोगे, तो आपको IPv6 दिखाई देगा मोस्ट प्रोबेबली. बट देयर इज अ चांस, जैसे मैं अभी भी जब मेरा वाईफाई नेटवर्क पे मैं व्हाट इज माय आईपी गूगल करता हूँ, मुझे मेरा IPv4 ही दिखाई देता है. ओके, सो इट डिपेंड्स, कभी कभी आपको IPv6 मिल सकता है. जनरली इफ यू आर कनेक्टिंग थ्रू अ मोबाइल नेटवर्क जियो और एयरटेल, आपको ये नंबरिंग सिस्टम दिखाई देगा. अगर आप वाईफाई के थ्रू कर रहे हो तो देयर इज अ आउटसाइड चांस कि आपको ये दिखाई देगा, बट इवेंचुअली फॉर फ्यूचर वी आर मूविंग ऑन टू दिस बिकॉज दिस इज फ्यूचर सेफ. ओके, सो आई गेस ये पूरा चीज समझ में आ गया, IPv4 वर्सेस IPv6. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.